ऐसा लेना है, जो टिप है, टेंडर पार्ट है, उसको ऐसा तोड़ना है। इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, रिवाइटलाइजर बोलता है, जो एनर्जी देता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी ग्रीन सब्जी जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है, एंड दैट सब्जी इज़ गाम सब्जी, जो हम लोग लोकल में गाम सब्जी बोलते हैं, बट दिस इज नोन एज कातुक और स्वीट लीफ। सो एज यू कैन सी, इसको बोलते हैं कातुक या तो स्वीट लीफ इंग्लिश में, और हम लोग बोलते हैं, हम अपना अपना लोकल जो डायलेक्ट है उसमें हम लोग इसको बोलता है गाम ओ या तो गाम सब्जी। तो इसका जो टेंडर पार्ट है, ऊपर का जो टेंडर पार्ट है, उसको ही हम लोग खाते हैं, और इसका जो स्टेम है इसको हम लोग एस्पेरेगस की तरह से हम लोग इसको फ्राई करके, स्टर फ्राई करके खाते हैं या तो बॉईल भी करते हैं। तो ये जो है चाइना, जापान, मलेशिया, वियतनाम, ये सब कंट्रीज़ में भी खाया जाता है, लेकिन हम लोग का अरुणाचल में ही बहुत लोगों को इसका बारे में पता नहीं है। तो आज हम इसको आपको बना के दिखाएगा कि कितना सिंपल है इसको बनाना, और खाने में भी बहुत अच्छा है इसका टेस्ट। तो मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ। ऐसा लेना है, जो टिप है, टेंडर पार्ट है, उसको ऐसा तोड़ना है, और यहाँ पे इसको कोई कोई बेरा सब्जी भी बोलता है, क्योंकि ये फेंसिंग में निकलता है, फेंसिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करता है, इसीलिए इसको हम लोग बेरा सब्जी भी बोलते हैं। तो ये है, इस तरह से आपको तोड़ के कलेक्ट कर लेना है। ये येलो जो है वो बीन्स है, इसका बीन्स अभी तक छोटा छोटा है, इस तरह से। गाम सब्जी जो है स्वीट लीफ, इसमें प्रोटीन और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, इनफैक्ट प्रोटीन्स इसमें बहुत ज़्यादा है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। सो इट्स अ वेरी हेल्दी वेजिटेबल, जिनको प्रोटीन डाइट ज़रूरत है वो ये सब्जी खा सकता है, और फाइबर प्रोटीन रिच वेजिटेबल है ये, और प्लस टेस्टी भी है। ये काटेदार वाला प्लांट, इसको देख के आपको लग रहा होगा इसको तो कैसे खाएगा होगा, लेकिन ये भी हम लोग खाते हैं, इसको हम लोग होन्योर बोलता है, या तो ओंगेर, ओन्योर, अरुणाचली का डायलेक्ट, अलग अलग बोली है उसमें, हम लोग अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन इसका जो है खाने का स्टाइल मैक्सिमम हम लोग बॉइल में ही डालता है, तो बहुत इसका टेस्ट और इसका जो अरोमा होता है वो बहुत अच्छा होता है, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ करता है अपना लोकल कुकिंग में। और इसका भी हम लोग ये टेंडर वाला जो पार्ट है उसी को तोड़ता है। एंड दिस इज़ माई चिली। तो चिल्ली जो है, कोई हमको बताया था मेरा एक मैडम ने कि ये जो मैच्योर हो गया है कि नहीं हो गया, उसको देखने के लिए आपको इसको एक बार ऐसे प्रेस स्क्वीज़ करके देखना है, अगर इसमें एक क्रैक करने का आवाज़ आएगा जो सीड का, अगर वो आवाज़ आ रहा है डेट मीन्स ये मैच्योर हो गया है। इसको हम लोग कुकिंग में तो यूज़ नहीं करेगा बिकॉज घर में बच्चा है, इसलिए हम लोग अलग से ही ये सबको बना के खाते हैं। तो मेरा बगान में, मेरा जो किचन गार्डन है, उसमें एक दो चीज़ हैं, अभी तक पूरा भरा नहीं हुआ है, कभी दिन हम अच्छा से फुल टूर देगा आपको मेरा गार्डन का, किचन गार्डन का। सो दिस इज़ द चिली, और यहाँ पे है मरसंग, हम लोग मरसंग बोलते हैं। तो इसका भी ये टिप को हम लोग तोड़ता है इस तरह से। तो ये प्लांट जो है, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम लोग रिवाइटलाइजर बोलता है, जो एनर्जी देता है। इसका टेस्ट जो थोड़ा से वो है, लगता है जीभ में, हम तो झिंग झिंग जीभ में झिंग झिंग करता है ऐसे बोलते हैं, तो थोड़ा से ये शॉक टाइप का देते हैं, बट इसका भी मिक्स करके जब खाता है बॉयल सब्जी में तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो ये सब एक्वायर्ड टेस्ट है, मतलब किसी को पसंद नहीं आएगा, जो खाते रहता है, जिसको आदत हो गया है, वो लोग को ही पसंद आएगा। ये एक एवोकाडो का ट्री है,
ये कब फ्रूटिंग होगा आई डोंट नो। मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाने के बाद भी हो सकता है। गवर्नमेंट सर्वेंट लोग का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो जो भी हो, आप अच्छे से बड़ा हो और अच्छा बहुत सारा सारा फ्रूट्स देना। ये है मेरा जिंजर पैच, छोटा सा जिंजर का पैच है। यहाँ पे यहाँ से हम जिंजर निकालता है कभी कभी। मेरा माँ जब आया था तब वो लगा के गया था। तो जिंजर तो इसमें रूट में होता है। इसमें अभी लेट मी चेक, तो डिगिंग के लिए हम कुछ लाया नहीं है, इसलिए ये लकड़ी से हम कर रहे हैं। निकाल रहे हैं। तो ये है जिंजर, मेरा माँ का लगाया हुआ, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ही प्राइज्ड एरिया है ये जगह। और ये जिंजर भी बहुत ही प्राइज्ड है मेरे लिए, बहुत ही प्रीशियस है। मम्मी कभी कभी आता है घर यहाँ पे, अब हमेशा ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वो ओल्ड हो गया है इसलिए। सो दिस इज़ द जिंजर। इसको हम लोग चाय वाय ये सब बनाने से या तो कुछ सब्जी वब्जी में यूज़ करता है। टाडा। सब्जी तोड़ते तोड़ते थोड़ा व्यू भी देख लीजिए। मेरा जो क्वार्टर है, ये एरिया जो है बहुत ही पीसफुल है। यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, धूल नहीं है, बहुत ही फ्रेश है। ट्री का जूस है ना। ये है मरसांग सब्जी। आपको भी अभी सीसी करना था ना। बाय कोको। इट्स वेरी पीसफुल। वहाँ से सूरज ढलता है, दैट मीन्स वहाँ वेस्ट है। हम लोग को क्या करना है, इसको बनाने के लिए, गाम सब्जी को बनाने के लिए बिना पानी का कढ़ाई में डाल देना है। धोते समय जो पानी रह जाता है ना धोने के बाद, उसी पानी से इसको हम लोग पकाएगा अभी। और फ्लेम को हाई रखेगा, बहुत जल्दी पक जाता है, 5 मिनट्स में पक जाएगा ये। और इसको बीच बीच में ऐसे पलटते रहना। थोड़ा नमक, क्या बोलते हैं, स्वाद अनुसार नमक डाले, ऐसा बोलते हैं ना। तो अपना मर्जी से अपना नमक जितना खाता है वो डाल लो। उसके बाद इसको फिर से अच्छा से मिक्स कर लो। अभी ऑलमोस्ट पकने ही वाला है। के बाद यहाँ से एक उठा के टेस्ट कीजिए। हो गया, बस इतना तक ही था। उसको बस हाफ कुक करना है, फुल कुक नहीं करना है, ओनली हाफ कुक। ग्रीन रहने से, ग्रीनिश कलर जो रहने से ज़्यादा अच्छा लगता है देखने के लिए। उसके बाद गैस को बंद कर दो। हो गया। सब्जी में और फ्लेवर लाने के लिए हम लोग काला तिल और ब्लैक सेसमी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रोस्ट कर लेगा।
पॉपकॉर्न खाना है। हमको आपका हेल्प नहीं चाहिए ना कोको, आई डोंट नीड योर हेल्प। यू डोंट नीड माई हेल्प एंड आई डोंट नीड योर हेल्प। आप हेल्प का बदले में उल्टा और उल्टा पुल्टा कर देते किचन को। हम उल्टा पुल्टा नहीं करेगा डरेगा संभल के। हाँ नहीं बाहर नहीं बहाना पकड़ेगा। होगी पॉप होने से दूर से इधर पपोने से दूर से आएगा। खाने का सब्जी भी बनाना है। खाने का सब्जी देखो आधा बना के रखा है। इसको ढक्कन डालना है। ढक्कन कहाँ गया? अभी इसको यहाँ पे डाल देगा कूदने के जगह में ना। और क्या करेगा? और हम ना ऐसे करेगा। कैसे करेगा? उसको पीसेगा ना। खाना पीसेगा ऐसे। आप क्यों आते रहते हैं? अने पॉप हो रहे अभी तक नहीं हुआ। आना को दो। आना करेगा आने को दो ना। आना करेगा उची बटन उची बटन ने टर्न टर्न ऐसे उनसे तो ये एक घंटा लग जाएगा। तो ये पीस के हो गया है। अभी इसको यहाँ पे डाल देते हैं। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लो। गाम सब्जी एंड ब्लैक तिल तो बहुत ही सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। गाम सब्जी है, तिल है और नमक, दैट्स इट। तो बहुत लोग हैं जो अरुणाचली है लेकिन इसका बारे पता नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग बहुत खाता है इसको, उसके बाद बाहर कंट्रीज में भी इसको खाता है। सो अगर आप लोग खाता है तो प्लीज़ डू टेल मी। और कोको का पॉपकॉर्न भी बनते हुए पॉप। दिस इज़ माई डिनर, चावल बनाना फ्लावर और ये है हम लोग आज जो बनाया है सब्जी, गाम सब्जी। इसमें आप मिर्च भी लगा सकते हैं क्योंकि मेरा घर में बच्चा है इसीलिए हम नहीं लगाया है मिर्च। एंड दिस इज़ राजमा सब्जी और किडनी बीन्स। हम लोग का जो अरुणाचली लोग का जो सिंप्लिसिटी है वो हम लोग का यहाँ पे खाना पीना में ही दिखाई देता है, खान पान में। ये हम लोग ज़्यादा वक्त हम लोग बॉयल ही खाता है। ये बनाना फ्लावर भी हम लोग बॉयल ही किया है। फिर भी हम लोग को इस तरह से सिंपल सादा चीज़ ही ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा ऑयली हो जाने से हम लोग को बॉयल वाला चीज़ का बहुत क्रेविंग्स हो जाता है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए नेक्स्ट व्लॉग जब तक आएगा उसके लिए बाय बाय। तू हैंड से पकड़ो, अभी दिखा देता है। यस, अरे मेरा हैंड बहुत डर।